नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र कुमार दैया, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चित्तौड़गढ़। पिछली वीडियो में हमने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के डेप्रिसिएशन के बारे में पढ़ा था, डेप्रिसिएशन की कैलकुलेट करने की कुछ टेक्निक्स के बारे में पढ़ा था। अब कुछ टेक्निक्स और भी हैं जिनको हम इस वाले वीडियो में स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारी जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की जो टेक्निक है वो है सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। इस वाले मेथड में हम क्या करते हैं कि बेसिकली इनिशियल ईयर्स में डिप्रिसिएशन ज़्यादा लेते हैं, फिर धीरे धीरे हर ईयर में कम करते जाते हैं। लेकिन जैसे कि पिछले में हमने किया था डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में एक परसेंटेज के हिसाब से कम कर रहे थे, इसमें परसेंटेज से कम नहीं करके हम जो ईयर्स है जितने उसकी लाइफ है उस लाइफ के अकॉर्डिंग जो जितने ईयर्स हैं उसके रेशियो में हम उसको कैलकुलेट करते हैं। मेथड इन दिस मेथड द कॉस्ट सालवेज वैल्यू इज चार्ज डिफरेंट ईयर इन द रेशियो ऑफ कैपिटल ब्लॉक्ड। जो कैपिटल आपकी ब्लॉक्ड है उसको डिफरेंट रेशियो में हम उसको अलग अलग ईयर्स में उसको कैलकुलेट करते हैं। दिस मेथड एज्यूम द डेप्रिसिएशन ऑफ फर्स्ट ईयर शुड बी द हाईएस्ट एज नो पोर्शन ऑफ द कैपिटल हैज बीन रिकवर्ड टिल देन एंड द डेप्रिसिएशन ऑफ लास्ट ईयर विल बी लेस। मतलब इस वाले में फर्स्ट ईयर में सबसे ज़्यादा डिप्रिसिएशन लेंगे, फिर धीरे धीरे कम होते रहते हैं, लास्ट ईयर में सबसे कम डिप्रिसिएशन उसमें आएगा। तो इससे इस तरह से हमने क्या है कि इसको कैलकुलेट करते हैं। तो इसको हम निकालने के लिए बहुत अच्छा सा एक एग्जांपल है, ये एग्जांपल लेके हम कर लेते हैं कि हमारे पास एक हमने एक ट्रक है, इसको परचेज किया है एट कॉस्ट ऑफ 15 लेख, जिसकी वर्किंग लाइफ जो है 4 ईयर हम मानते हैं और स्क्रैप वैल्यू जो है 4 ईयर्स के बाद वो है 3 लेख। तो इसके को हम सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड से इसका डिप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्योंकि हमारे पास 4 ईयर की लाइफ है तो हम 4 के जो डिजिट्स हैं 4, 3, 2, 1 इनको ऐड कर लेते हैं। तो इस तरह से इनकी जो सम आता है वो हमारे पास 10 आएगा। तो इस तरह से फर्स्ट ईयर का जो डिप्रिसिएशन होगा वो होगा फर्स्ट ईयर के लिए 4/10 मल्टीप्लाइड बाई C-S। सी मीन्स इनिशियल कॉस्ट जो कि 15 लाख है और एस से स्क्रैप वैल्यू सालवेज वैल्यू वो है 3 लाख। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन आएगा 4,80,000। इसी तरह से सेकंड ईयर के लिए नेक्स्ट डिजिट लेंगे काम में जो कि 3 है डिवाइडेड बाय 10 C-S। तो इस तरह से ये आएगा 3,60,000। थर्ड ईयर के लिए ये आएगा 2/10 नेक्स्ट डिजिट क्योंकि 2 है हमारा तो 2 ले लेंगे और इस तरह से हमारा ये आएगा 2,40,000। फोर्थ ईयर के लिए लास्ट डिजिट है हमारा 1 तो 1/10 और ये आएगा C-S इन। तो इस तरह से ये 15 लाख इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1,20,000। तो जो टोटल डिप्रिसिएशन होगा हमारा 4,80,000 प्लस 3,60,000 प्लस 2,40,000 प्लस 1,20,000 इन सबको जोड़ेंगे तो ये 12 लाख हो जाता है हमारे पास और 3 लाख हमारा सालवेज वैल्यू है। तो इस तरह से टोटल कॉस्ट हमारी 15 लाख इसमें कवर हो जाती है। और इसमें हम देखते हैं कि फर्स्ट ईयर में सबसे ज़्यादा डिप्रिसिएशन है, फिर सेकंड ईयर में, फिर थर्ड ईयर में और लास्ट ईयर में सबसे कम डिप्रिसिएशन। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये तो 4 ईयर के लिए कैलकुलेट किया, इससे ज़्यादा भी ईयर्स हों तो इसी तरह से हम इसको अलग अलग इस तरह से पर ईयर डिप्रिसिएशन हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इस वाले में भी कुछ मेरिट्स हो सकती है, कुछ डीमेरिट्स भी हैं। तो पहले हम इसके जो एडवांटेजेस हैं मेरिट्स हैं उसके बारे में देख लें। इन दिस मेथड द क्वांटम ऑफ डिप्रिसिएशन इज ग्रेटर इन अर्लियर ईयर्स इन कंपैरिजन टू लेटर ईयर्स बिकॉज द बेनिफिट रिसीव्ड फ्रॉम द यूज ऑफ असेट इन इज आर ग्रेटर इन अर्लियर्स एंड अर्लियर्स एंड देन इन लेटर। क्योंकि शुरू में हमारे को जो बेनिफिट है वो ज़्यादा मिलता है तो डिप्रिसिएशन भी हम ज़्यादा देते हैं, बाद में ईयर्स में क्योंकि मशीन की लाइफ के साथ उसकी परफॉर्मेंस कम होती जाती तो हमारे को बेनिफिट भी कम मिलता है तो उसके अकॉर्डिंग डिप्रिसिएशन भी हम उसके साथ कम करते जाते हैं। तो ये इसका एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज है इन अर्लियर ईयर्स ईयर रिपेयर्स आर लाइट बट डिप्रिसिएशन हैवी, इन लेटर ईयर एसेट होल्ड ओल्डर एंड द रिपेयर्स आर हैवी एंड डिप्रिसिएशन इज लाइट सो द डिप्रिसिएशन प्लस रिपेयर्स विल मोर और लेस कॉन्स्टेंट।
जैसे कि दिखाया कि शुरू के ईयर्स में ऑब्वियस है क्योंकि नई मशीन होती है, नया सेट होता है, तो वो रिपेयर और की मेंटेनेंस की कॉस्ट उसकी कम होती है, तो डिप्रिसिएशन हम उसको ज़्यादा देते हैं। धीरे धीरे जब वो यूज़ आती जाती है तो उसका डिप्रिसिएशन कम होता जाता है, लेकिन रिपेयर मेंटेनेंस बढ़ती जाती है, तो ओवरऑल हम इन दोनों का सम अगर देखें तो वो लगभग कॉन्स्टेंट रहता है। If asset is retired earlier than the anticipated as result of unforeseen obsolescence, the loss upon the retirement will be less. क्योंकि अगर किसी कारण से जैसे अनफॉर्चुनेट जैसे कोई ऑब्सोलेंस हो जाता है या एक्सीडेंट के कारण या किसी कारण से अगर उनको रिटायर करना है तो हमारा जो अधिकतर डिप्रिसिएशन अमाउंट हम पहले ही क्योंकि ज़्यादा ले रहे हैं तो वो रिकवर हो जाता है। इसी तरह से For tax accounting purpose, this method has a clear advantage over straight line method. The larger deduction in early years means at the very least tax payments are क्योंकि शुरू में मशीन ज़्यादा है, ज़्यादा हम ये depreciation pay कर रहे हैं तो taxes उस हिसाब से कम हो जाते हैं, जो जो मशीन ओल्ड हो जाती है तो उसके उस हिसाब से taxes को मतलब बढ़ते हैं, तो इस तरह से टैक्स पोस्टपोन हो जाता है, हमारे को इनिशियल ईयर्स में कम टैक्स इसके कारण देना पड़ता है। इन दिस मेथड नियरली 3/4 ऑफ द टोटल डिप्रिसिएशन इज चार्ज्ड इन हाफ ऑफ द लाइफ, दैट मींस 3/4 ऑफ द ब्लॉक्ड इन्वेस्टमेंट रिकवर्ड। इस मेथड में ज़्यादातर में ये देखा है कि हाफ लाइफ तक में तो लगभग 3/4 कॉस्ट हम रिकवर कर चुके होते हैं, तो इस तरह से हमारा जो इन्वेस्टमेंट जो ब्लॉक होता है वो उसको वो हम काफ़ी कुछ उसको रिकवर कर चुके होते हैं। दिस मेथड इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड सिंपल टू कैलकुलेट, जैसा कि हमने कैलकुलेशन में देखा है ये बहुत ही सिंपल है और आसानी से इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं इसमें दिस मेथड आल्सो इग्नोर द कॉस्ट ऑफ द कैपिटल, इसमें भी वही है कि इनिशियल कॉस्ट जो है इसका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उस चीज़ को ये कवर नहीं करता है, तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है। इन अर्लियर ईयर्स ग्रेटर डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट एज ए रिजल्ट ऑफ लेस प्रॉफिट एंड इज अवेलेबल एंड डिक्लेयरिंग, क्योंकि शुरू के ईयर में हम डिप्रिसिएशन ज़्यादा देते हैं तो डिप्रिसिएशन ज़्यादा देंगे तो ऑब्वियस है कि हमारा जो प्रॉफिट होगा वो लेस होगा, और प्रॉफिट लेस होगा तो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो इन्वेस्टर्स हैं उनको ये लग सकता है कि प्रॉफिट कम आ रहा है तो उनको डिविडेंड कम मिलता है, तो इस तरह से इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा ये निराशाजनक हो सकता है, तो इस हिसाब से ये एक इसका नुकसान है। तो ये तो हो गया हमारा सम ऑफ डिजिट ईयर्स डिजिट मेथड। फिर नेक्स्ट हमारा जो है वो है यूज बेस्ड मेथड। तो यूज बेस्ड मेथड जो होता है इस मेथड में क्या है कि बेसिकली मशीन के यूज़ के बेस पे हम उसको डिप्रिसिएशन देते हैं, तो मशीन का यूज़ अलग अलग मशीन का अलग अलग होता है, कोई मशीन आउटपुट के बेस पे कि कितने अमाउंट में कितनी क्वांटिटी में वो आउटपुट दे रही है, कितना प्रोडक्शन वो दे रही है, कितने नंबर ऑफ पीसेज में दे रही है, तो इस चीज़ से देते हैं। कभी वो वर्किंग आवर के हिसाब से देखते हैं कि मशीन कितना वर्किंग आवर काम किया है, एसेट ने कितना वर्किंग आवर काम किया है, तो उसके हिसाब से हम इसको डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, और कुछ माइलेज की तरह से जैसे कोई अगर व्हीकल है तो वो कितना चला है उसके अकॉर्डिंग हम उसको डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले आउटपुट मेथड की तरह से देखें तो आउटपुट मेथड में क्या है कि डिप्रिसिएशन पर यूनिट कैलकुलेट करते हैं, जैसे हम ये मान लेते हैं उसकी टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स वो लाइफ स्पान में कितना प्रोड्यूस करेगा वो हम एक एस्टिमेट लगाते हैं, तो इनिशियल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो वो प्रोड्यूस करेगा पूरे लाइफ स्पान में, तो इस तरह से डिप्रिसिएशन पर यूनिट हमारे को मिल जाएगा। तो अब जितने यूनिट प्रोड्यूस कर चुका है उतना डिप्रिसिएशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो डिप्रिसिएशन एक्सपेंसेस हो जाएगा डिप्रिसिएशन पर यूनिट और यूनिट्स प्रोड्यूस या यूनिट यूज या जितना उसका मशीन का यूज हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। दूसरा तरीका है वर्किंग आवर मेथड में, ये भी उसी तरह से कि हम क्या करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ आवर वर्किंग उसका कैलकुलेट कर लेंगे लाइफ स्पान में टोटल वर्किंग आवर, तो उसने ये उसकी इनिशियल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वर्किंग आवर, ये हमारे को डिप्रिसिएशन पर आवर मिल जाएगा। अब हमारे को डिप्रिसिएशन निकालना है तो कितने आवर्स उसने यूज ले लिए हैं उन आवर्स के बेस पर हम डिप्रिसिएशन को कैलकुलेट कर लेंगे। तीसरा मेथड है ये माइलेज मेथड, तो माइलेज मेथड में इसी तरह से है कि इसमें कितने किलोमीटर को मैक्सिमम हम उसका एस्टीमेट कर सकते हैं कि कितने किलोमीटर वो व्हीकल अगर चला है तो मैक्सिमम व्हीकल, तो उसकी इनिशियल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय
कितने लाइफ टाइम में कितना किलोमीटर चलेगा वो एस्टीमेट लगा के हम उसकी डेप्रिसिएशन पर किलोमीटर निकाल लेते हैं, और उसके बाद वो जितने किलोमीटर चला है उसके अकॉर्डिंग हम उसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एक यूज बेस्ड मेथड है, इसके बेस पे भी हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एक तरह से स्ट्रेट लाइन मेथड ही है, लेकिन इसमें हम नंबर ऑफ ईयर्स या नंबर ऑफ उसकी लाइफ उस हिसाब से नहीं लेके उसके यूजेज के हिसाब से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। दूसरा एक जो तरीका है वो है इंश्योरेंस पॉलिसी। हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा एसेट है उसको इंश्योर करा देते हैं, इंश्योर करा देते हैं। तो इंश्योर कराने से क्या होगा कि इंश्योरेंस कंपनी उसके को हम हर साल उसको प्रीमियम पे करेंगे, और कंपनी जब भी अगर उसको रिप्लेस करना है या जब भी उसकी लाइफ स्पान जितना है उसका समय वो इंश्योरेंस कंपनी हमारे को वो अमाउंट पे कर देगी। तो इस तरह से हमारा वो सारा अमाउंट रिकवर हो जाएगा। तो दिस मेथड फंड एक्सेप्ट द इनिस्ट्यूट दिस मेथड इज सिमिलर टू द सिंकिंग फंड मेथड एक्सेप्ट द इनिशिएट ऑफ इन्वेस्टिंग मनी इन सिक्योरिटीज द इंश्योरेंस पॉलिसी इज टेकन टू एसेट लाइफ। हियर द अमाउंट इज चार्ज ईच ईयर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। तो इस तरह से हम उसको इंश्योरेंस कंपनी को पे करके और प्रॉफिट और लॉस को से कैलकुलेट करते हैं। अब इस मेथड का क्या फायदे हैं? इसके फायदे है कि इन दिस मेथड देयर इज अ सर्टेनिटी दैट गारंटीड अमाउंट विल बी रिसीव्ड, क्योंकि हमने इंश्योरेंस कराया हुआ है तो एक गारंटीड अमाउंट हमारे को रिकवर हो जाएगा। चाहे वो मार्केट में हम कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो वो कम भी हो सकता था ज़्यादा हो सकता था, जो फ्लक्चुएशन है उसको हमारे को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देयर इज नो नीड टू जज द मेरिट ऑफ द डिफरेंट सिक्योरिटी इन इन्वेस्टमेंट। जो आपने कहीं इन्वेस्ट किया है तो उसकी मेरिट और डिमेरिट देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी इस चीज़ को सारा कवर करेगी। अब नुकसान क्या है? तो एज इंश्योरेंस कंपनी सारा रिस्क कवर कर रही है तो वो जो अपना प्रीमियम लेगी वो उसमें उसका खुद का प्रॉफिट भी होगा, तो ओवरऑल हमारे को जो पे करना पड़ेगा वो थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। तो प्रीमियम जो होगा हमारा ज़्यादा होगा तो डेप्रिसिएशन अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा इस तरह से। दूसरा डिसएडवांटेज है, इफ न्यू एसेट इज एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ द ओल्ड एसेट इज मेथड कैन नॉट बी यूज इफेक्टिवली बिकॉज द कॉन्ट्रैक्ट विद द इंश्योरेंस कंपनी कैन नॉट बी चेंज। क्योंकि अगर हमारे को उसकी लाइफ स्पान के बीच में हमारे को कुछ चेंज करना पड़े तो क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट है हमारा तो हम उसको रिकवर नहीं कर पाएंगे, वो हमारे को इस तरह का नुकसान हो जाएगा। तो ये इस तरह से इंश्योरेंस पॉलिसीज हम इसको कर सकते हैं। इसके कुछ फायदे नुकसान मैंने आपको बताए। नेक्स्ट तरीका है हमारा डिप्लीशन मेथड। डिप्लीशन मेथड में क्या होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती जो टाइम के साथ कंज्यूम होती रहती तो उसके हिसाब से डिप्लीशन को कैलकुलेट करते हैं। जैसे कोई क्वेरी है, कोई माइंस है, कोई क्वेरी है, या नेचुरल रिसोर्सेज जहाँ से हम निकाल रहे हैं तो वहाँ पे क्या धीरे धीरे जब यूज लेते जाएंगे तो जो मटेरियल है वो कम होता जाएगा, तो इस तरह से उसका जो डिप्रिसिएशन जो है वो उसकी जो वैल्यू है कम होती जाएगी। तो उस वैल्यू को हम कैलकुलेट कर देंगे कि कितना अमाउंट हमारे निकाल लिया है। तो हियर द रेट ऑफ प्रोडक्शन इज मेजर्ड बाई द रेट ऑफ एग्जॉशन। अंडर दिस मेथड द टोटल रिजर्व ऑफ द असेट इज मेजर्ड बाई द एक्सपर्ट वैल्यूअर। तो एक्सपर्ट वैल्यूअर जो है वो टोटल रिजर्व कितना बचा है उसके बेस पे और कितना हमने निकाल लिया है उसके डिफरेंस के बेस पे डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हैं। तीसरा तरीका है रीवैल्यूएशन मेथड। इसमें क्या करते हैं कि हम जनरली जो स्मॉल टूल्स है, कंटेनर्स है, क्रोकरी, इस तरह की चीज़ों के लिए करते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास जो एसेट पड़ा है उस एसेट को हम कैलकुलेट करते हैं एक या एज एक्सपर्ट हम उसका एक एस्टिमेट लगाते हैं कि कितना हमारे पास ये आज की तारीख में उसकी वैल्यूएशन है। तो उस वैल्यूएशन को कैलकुलेट करेंगे और उस वैल्यूएशन के बेस पे हम डेप्रिसिएशन को निकालेंगे। जैसे आज इसके वैल्यूएशन मान लो 1 लाख है और एक साल बाद उसका वैल्यूएशन निकाला अगर वो मान लो 60,000 आ जाता है तो जो डिफरेंस अमाउंट 40,000 है वो हमारा डेप्रिसिएशन हो जाएगा। तो इस तरह से ये और कुछ मेथड्स हैं इनसे हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। और फिर डिपेंड करता है इंडिविजुअल प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट ये कौन सा मेथड हम यूज़ में लेते हैं। ये डिफरेंट टाइप ऑफ जो ज़्यादातर जो यूज़ में लिए जाते हैं वो डेप्रिसिएशन मेथड्स मैंने आपको बताया। तो इस तरह से हमारे डेप्रिसिएशन का चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद।